एक आदमी को पटना जाना था, कहाँ जाना था बोलो भाई, पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का कटिहार में। कटिहार स्टेशन गया, अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था, सोचा रे बाप हमको पटना जाना, आप खड़े होने की जगह नहीं है तो हम पटना पहुँचेंगे कैसे। बोला नहीं, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज जो टकराई तो डब्बे में हड़कंप मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। सीट खाली हो गई, चाहे चादर बिछाया, एक चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई, सुबह इसकी सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई, चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ चाय पिलाओ। तो चाय वाले ने चाय दिया। तो ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई, तो चाय वाला बोला पटना ये तो कटिहार है। बोला अरे हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे है। बोला नहीं आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा, तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। वाला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज्यादा चालाक ना बनो, ज्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता। एक मरतबा एक आदमी दीवार के साये में सो रहा था, दीवार के साये में सो रहा था, एक आदमी आया उसका हाथ पकड़ा, घसेट के हटाया, जैसे ही हटाया दीवार गिर गई। हाँ, ती आदमी बोला कि भाई अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी जान बचा दिए भाई, आपका नाम क्या है। बोला मेरा नाम है शैतान। बोला अरे शैतान और नेकमल, आपने मेरी जान कैसे बचाई, शैतान तो जान नहीं बचाता, शैतान तो मारता परेशान करता, आपने मेरी जान कैसे बचाई। तो शैतान बोला कि मैंने उलमा से सुना है जो दीवार के साये में दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। बड़ा जिद्दी है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, ठोकर लगी, रात का समय था, ठोकर लगी, गिर गया तो उठा, घर आया, कपड़ा बदला, फिर दोबारा निकला मस्जिद नमाज के लिए, फिर रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, फिर दोबारा घर आया, कपड़ा बदला, वो जाने के लिए नमाज के लिए निकला रात में, घर से जैसे निकला देखा एक आदमी चराग लेकर खड़ा है। अच्छा चराग जाना ना अपना रहा, अरे बोलू ना, चराग लेकर खड़ा है। बोला कि चलिए आपको मैं मस्जिद पहुंचा दूं। बोला बहुत शुक्रिया। वो रोशनी दिखाते हुए गया, वो आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकला तो देखा कि ये चराग लेके खड़ा है मस्जिद के गेट में। फिर रोशनी दिखाते हुए घर तक पहुंचाया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, उसका शुक्रगुजार हुआ, बोला कि भाई हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं, आपने मेरी खिदमत करी, आपने चराग की रोशनी में मस्जिद तक पहुँचाया, मस्जिद से घर तक पहुँचाया, आपका नाम क्या है। बोला मेरा नाम शैतान है। बोला अरे बाबू शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मस्जिद तक पहुंचाया, आखिर वजह। तो शैतान बोला कि जब तुम पहली मर्तबा घर से मस्जिद के तरफ निकले थे, गिर गए थे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाल्लाह। फिर दोबारा घर आए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा जब गिरे, ठोकर लगी, गिरे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा तुम मस्जिद की तरफ चले थे, हमको ये डर था कहीं इस बार तुम गिर गए तो अल्लाह तेरे मोहल्ले वालों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। बुझते पाचे ना,
ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है, ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है, ए मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीज़ें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बी वतूबु इलैही का हमेशा विर्द किया करो, शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना शैताना लिल इंसान अदू मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाल्लाह अमल करोगे भाई, इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अमल करेंगे। घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है दो दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है दो दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफल मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के वादा करो, इंशाल्लाह अमल करेंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, वह अच्छे वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दीन का दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। और अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराज़गी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत हो या मर्द, है फ़र्ज़ है। औरत हो या मर्द हो, ए बेटा ए क्या हुआ, लग गया है, ले जा 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 रहा है, जल्दी रहे, ए खाने को रे दीपेंद्र। दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज़ है। जैसे पांच वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो आपके ऊपर में ज़कात फ़र्ज़ है, खाने काबा का एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से इल्म दीन का पढ़ना हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह अमल करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को, देखिए कुरान बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। इस किताब को घर के अंदर में सिर्फ रखना ही ज़रूरी नहीं है, रखकर इस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नजूल होगा, शैतान भाग। अच्छा इंशाल्लाह वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, ए बेटा बोशे जाओ खाने, तुम्हारे जो नियमी दुआ करे देवो, बोस बोशे जाओ, बैठ जाओ, यहाँ दुआ कबूल होगी, बैठ जाओ, जैसे दुआ कर देंगे, नहीं तो ऊपरे चले जाओगे, बैठ जाओ, नहीं ऊपर कहाँ तरक्की कर लेगा। दुआ का मतलब ये है, अब यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ थोड़ी होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर पड़ी है, तो उठाया, ये दादी उठ 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 दादी, चोट लग रही ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया बोलिए बेटा, जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई, और कुर्बान जाओ मौजूद सामने निकलाम, बड़ा अच्छा मजमा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो बताइए, दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर को आप बनाएंगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, सिफारिश मिलेगी नहीं मिलेगी,
अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा को मैंने देखा है जिसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह इस मदरसे की तामीर होनी चाहिए, इस मदरसे का ताउन होना चाहिए, इस मदरसे का मदद होना चाहिए। तो मदद कौन करेगा? आप करेंगे ना भाई? अरे करेंगे ना, बोले इंशाल्लाह। तो मुझे ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह 5 आदमी चाहिए। देखिए आप पहचंदा आप पहले दे चुके हैं, चंदा आप पहले दे चुके हैं, मुझे पता है, मैं सुन रहा था, मुझे खबर है। लेकिन कम से कम मैं भी चाहता हूं कि मेरे जरिए से भी इस मदरसे का कुछ ताबून हो जाए, ताकि हशर के मैदान में शायद मेरा तो कोई अमल है नहीं, शायद मेरा अमल काम ना आए। यही अमल अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। 5 आदमी तैयार हो जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलूँ तो? अरे बोलूँ ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो। अब मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, एक बात याद रखिएगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। वो तो मैं आपको बताऊँ, कबूलियत की 5 वजह है यहाँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं आपको तफसील के साथ बता नहीं सकता। बस एक ही बात है कि मैं मुसाफिर हूँ, आमी अपना जोड़ने 10 दुआ करबो। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमाते हैं, वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का दुलारा अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, इंशाल्लाह ये इसाले सवाब है। इस धरती पर चंदा दे दिए, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पर सवाब अता फरमाता रहेगा। तो जो माँ जो बेटा अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ। एक बेटा ना बाप का कालर पकड़ा, कोई बात में झगड़ा हो गया था, बाप का कालर को बेटा पकड़ा, बुझते पाचन ना, अरे बोलो ना, बुझते पाचन ना, ये कालर पकड़ा, घसेट के लाया, बाप को घसेटा, घर से घसेट के ओसारा लाया, आंगन लाया, आंगन से बाहर लेके जा रहा था। तो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बाप बोला कि बेटा रुक जा, यहीं इसी जगह रुक जाओ, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के घसीट कर लाया था, आज मुझे पता चल गया कि उसी का बदला तुम चुका रहे, उसी का बदला मुझे मिल रहा है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी, उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ आप अच्छा अमल करोगे, नेक सलूक करोगे, तो आपका बेटा भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा इंशाल्लाह। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बस सलूकी की है, तो ये बांध लीजिए, लिख लीजिए तख्ती पे, दीवार पे, कि आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। जैसी करनी भाई, जैसी करनी है।